गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 4 विपिन चौधरी स्लैब्स ऑफ मेमोरी पार्ट 3। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को महसूस हुआ कि वो इस तरह से डेस्क पर बैठकर काम करते नहीं रह सकते। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फिल्म। जब से ये इस फिल्म में थे 25 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर। कॉन्शियस मींस होता है केयरफुल एंड करेक्ट। तो उनकी एक रेपुटेशन थी टायरलेस, मतलब कभी न थकने वाला, तो कि वो एक कभी न थकने वाले सचेत और समझदार जो है ना वर्कर के रूप में उनकी एक रेपुटेशन थी वहाँ पे। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ विल। देखो ये रहा हैड वॉज इन अ विल, इसका मीनिंग होता है कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। मतलब जो उनका आज जो था ना, उनका जो दिमाग था वो कन्फ्यूज था और वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज वेट्स टुगेदर। ये देखो गैदर हिज वेट्स टुगेदर, इसका मीनिंग होता है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली। मतलब अपने आप को शांत करके कुछ सोचना। तो क्या होता है जब वो बेड के ऊपर लेटे हुए होते हैं तो अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कर रहे थे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। वो ये जानते थे कि हाँ ये हो सकता है कि किसी की याददाश्त जो है ना सिर में चोट लगने से चली जाए। बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंटेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कभी, ये मतलब ये इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति मतलब सब कुछ जिसको सारी चीज़ें याद थी बट एक पर्टिकुलर घटना उसको याद ना हो, इस बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, मतलब इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो एंड ऑफ फेयरली रिसेंट, जो कि अभी घटना घटी थी और बहुत महत्वपूर्ण थी और वो किसी को याद ना हो। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो रांची, वो हमेशा ही रांची जाना चाहते थे। टू हैव गोन देयर डन थिंग्स एंड नोट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वहाँ पे जाना, कुछ चीज़ें करना, लेकिन वो कुछ भी याद ना रहना, ये जो है ये बिल्कुल ही अटरली, मतलब बिल्कुल कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। 7:30 बजे विपिन बाबू के नौकर जो है वो आता है, आया और बोला चुन्नी बाबू सर, कहता है कि सर चुन्नी बाबू जो है वो आए हैं, सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और उन्होंने ये कहा कि उनसे मिलना जो है वो मतलब वो आपसे मिलना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। जो विपिन बाबू थे वो जानते थे कि चुन्नी किस लिए मिलने आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल जो था वो उनके साथ स्कूल में था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। हैविंग अ रफ टाइम, ये देखो यहाँ पे है हैविंग अ रफ टाइम, इसका मीनिंग होता है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब उसकी लाइफ में जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। तो ये कह रहा है कि विपिन बाबू का जो टाइम था ना वो ख़राब चल रहा था उस टाइम पे, और वो उनसे मिलने के लिए बहुत बार जॉब के लिए मिलने के लिए आते थे विपिन बाबू से चुन्नी लाल का जो टाइम था वो अच्छा नहीं चल रहा था और वो इसलिए विपिन बाबू से जॉब के लिए मिलने आते थे। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो। विपिन बाबू जानते थे कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते और उन्होंने ये बात जो है उनको बता भी दी थी। बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनिंग। ये देखो
टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी मीन्स होता है अपीयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, मतलब किसी के घर जाना, ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे उनका उसका स्वागत नहीं किया जाए, तो ज़बरदस्ती किसी के घर जाना। तो फिर भी जो चुन्नी लाल थे ना, वो उनके घर आते रहते थे जॉब के लिए। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाव बट नॉट इन सेवरल वीक्स। फिर विपिन बाबू ने क्या किया, अपने नौकर को ये कहलवा कर भेज दिया कि वो उनसे नहीं मिल सकते, बल्कि अभी अभी नहीं, कई हफ्तों तक वो उनसे नहीं मिल सकते। बट एज सुन एज द सेवरल स्टेप सॉरी सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। जैसे ही जो वो नौकर था वो रूम से बाहर गया, तो अचानक से विपिन बाबू के दिमाग में आया, क्या पता जो 1958 की जो यात्रा थी उसके बारे में चुन्नी लाल को कुछ याद हो। देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में तो कोई नुकसान नहीं था। विपिन बाबू हर्रीड डाउन द स्टेयर्स एंड इन टू द लिविंग रूम। विपिन बाबू जो है जल्दी से सीढ़ियों से नीचे गए और लिविंग रूम में पहुँचे। चुन्नी बाबू अबाउट टू लीव, चुन्नी जो थे वो जाने ही वाले थे, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन जब उन्होंने विपिन बाबू को देखा तो वो उम्मीद के साथ जो है वापस मुड़े। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, ये देखो बीट अबाउट द बुश मीन्स क्या होता है, ये डिडंट बीट अबाउट द बुश मीन्स है कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मतलब पॉइंट पे आना। तो क्या हुआ, जब वो वहाँ पे आए तो ही टर्न्ड, मतलब है ना विपिन बाबू जो थे वो सीधे ही पॉइंट पे आ गए, उन्होंने ना कोई मतलब इधर उधर की बातें नहीं की, वो सीधे ही पॉइंट पे बोले, लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नाउ एंड देन, मतलब तुम्हारी जो है अच्छी तो मेमोरी है और तुम मुझसे ना मिलते रहते हो, मतलब जल्दी जल्दी मुझसे मिलते रहते हो कभी ना कभी। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी, थ्रू योर माइंड बैक मीन्स ये है, ये रहा थ्रू योर माइंड बैक मीन्स होता है थिंक बैक एंड रिकॉल अ पास्ट इवेंट, मतलब सोचो और पहले जो पास्ट की जो घटना घटी थी उसको याद करो, वो कहता है। चुन्नी शैड ना और क्या कहता है, बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58, और मुझे बताओ क्या मैं 1958 में रांची गया था। चुन्नी शैड, चुन्नी ने कहा 1958 इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, ये 1958 था या 1959, वो चुन्नी लाल पूछता है। फिर आगे, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या मतलब तुम इस बात पर श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक्स ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वर्री, अमेजमेंट मीन्स क्या होता है, हैरानी। तो जो चुन्नी था ना, जो वो उसकी तरफ देख रहा था वो बड़ी हैरानी और दुख के साथ देख रहा था। डिड यू मीन यू हैव, मतलब डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल, अच्छा मतलब तुम ये कह रहे हो, तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हें वहाँ जाने के बारे में जो है कोई डाउट है। डिड आई गो, Do you remember clearly? वो कहता है अच्छा मैं गया था, आप तुम्हें अच्छे से याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा फिक्स विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट। चुन्नी जो थे ना वो सोफा के ऊपर बैठ गए और विपिन बाबू को मतलब बहुत देर तक जैसे घूर कर देखने लगे और बोला, घूर कर देखने के बाद बोले, विपिन Have you taken to drugs or something? क्या तुम कुछ ड्रग या कुछ और ले रहे हो क्या?
एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लियर रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. जितना मैं तुम्हें जानता हूँ मुझे पता है कि तुम्हारा इन बारे में मतलब अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब तुम्हें हर चीज़ याद रहती है. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डिडंट मीन मच मच टू यू. मुझे ये पता है कि तुम्हारे लिए जो पुराने दोस्त हैं वो फ्रेंडशिप है वो कोई मायने नहीं रखती. बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी. लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हारी जो मेमोरी है वो बहुत तेज है, अच्छी है. यू कॉन्ट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. मतलब यू कॉन्ट रियली मीन, क्या मतलब तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता कि तुम रांची की जो ट्रिप थी उसको भूल गए हो. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज अनक्रेडुलस स्टेयर. अनक्रेडुलस मीन्स होता है हैरानी से घूरना किसी को. तो विपिन बाबू को अपने आप को जो है चुन्नी की जो वो घूर रहा था उसको उनको हैरानी से उन नज़रों से बचाया. डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क चुन्नीलाल. चुन्नीलाल ने कहा कि तुम्हें याद है कि मेरी जो पिछली जॉब थी वो क्या थी. ऑफ़ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी. हाँ मुझे याद है तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप यूअर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. अच्छा तुम्हें ये याद है लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे जो बुकिंग थी रेलवे की वो रांची के लिए वो मैंने फ़िक्स की थी. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें छोड़ने गया था स्टेशन पे. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. जो तुम्हारा कंपार्टमेंट था वहाँ पे एक फ़ैन जो है वो काम नहीं कर रहा था. आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था इसको ठीक करने के लिए. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो. वट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है. यू डोंट लुक टू वेल, तुम मतलब ठीक नहीं दिखा दे रहे हो. यू नो यू लगता है कि तुम है ना ठीक नहीं हो. विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड. मतलब विपिन बाबू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सैड एट लास्ट. और लास्ट में उसने कहा कि मैं बहुत अधिक काम कर रहा हूँ. दैट मस्ट बी द रीजन, यही कारण हो सकता है. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए. डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मैंसनिंग एनी थिंग अबाउट अ जॉब. ये बस यही वजह थी कि जो कंडीशन थी विपिन बाबू की, इसकी वजह से चुन्नीलाल जो चला गया था बिना ही जॉब के बारे में कोई बात किए. प्रेस चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. जो प्रेस चंदा था वो एक यंग फिजिशियन था जिसके मतलब दो आंखें थी चमकती हुई और एक शार्प नोज था. ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स. वो जो है मतलब सोचने लग गया जब उसने उसके जो सिम्टम्स थे, लक्षण जो थे वो उनके बारे में सुना. तो विपिन बाबू जो है वो सोचने लगा. लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डेस्पेरेटली. मतलब बेसब्री से जो है विपिन बाबू ने बोला, देखो डॉक्टर चंद्रा यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस है हॉरिबल इलनेस. आपको है ना मेरा इस डरावनी से जो ये बीमारी है, इतनी भयानक जो बीमारी है उससे मेरा इलाज करना पड़ेगा. आई कॉन्ट टेल यू हाउ इट इज़ इफ़ेक्टिंग माई वर्क. ये मैं आपको बता नहीं सकता ये मेरे काम को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है. डॉक्टर चंदा शोक हिज हेड. जो डॉक्टर चंदा थे उन्होंने अपना सिर हिलाया. यू नो वट मिस्टर चौधरी ही सैड. आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज यूअर्स. वो कहता है कि आप क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, मैंने है ना आज तक कभी भी आपके जैसा केस जो है ना उसके बारे में कभी नहीं सुना. फ्रेंकली मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. ये मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा बाहर है. बट आई हैव
वन सजेशन आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। वो कहता है कि लेकिन मैं ना आपको एक सजेशन देता हूँ, मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए। मुझे नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ये इसमें ट्राई करने में भी कोई हर्ज नहीं है, और क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड अनॉक्सली, विपिन बाबू जो है ना वो झुक जाते हैं थोड़ा। विपिन बाबू घबराए हुए बेताबी के साथ जो है वो नीचे झुक जाते हैं। एज फॉर एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, जितना मतलब मैं जानता हूँ। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा ने कहा, जितना मैं जानता हूँ एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम, आपका भी मतलब है ना इसमें सेम ही ओपिनियन होगा। You must have been to Ranchi. तुम्हें रांची जाना चाहिए, but due to some unknown reason, the entire episode has, you must have been to Ranchi, sorry, आप रांची गए होगे, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out to off your mind. लेकिन जो आपका मतलब किसी रीजन की वजह से ये जो था वो एपिसोड पूरा जो है तुम्हारे माइंड से बाहर निकल गया है, मतलब तुम भूल गए हो। बट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, आपको रांची दोबारा जाना चाहिए। द साइट ऑफ द पहले प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, जो वहाँ की जो भी दृश्य होंगे वो तुम्हें वापस से तुम्हारी जो यात्रा है वो याद दिला सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, मैं इसके अलावा इस समय आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रांसक्यूलेजर, ये है ना मतलब ये उस कहता है कि ये वो है ट्रांसक्यूलेजेंस मीन्स होता है मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड अनऑक्सिटी, मतलब जो स्ट्रेस है उसके दूर करने की जो दवाई है वो कहता है ये मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर स्लीप इज़ एसेंशियल, जो सोना है वो ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो है ना ये जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये और गंभीर हो जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट Somewhat better the next morning, अगली सुबह जो है विपिन बाबू को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। After breakfast के बाद he rang up his office, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, gave some instructions और कुछ निर्देश दिए, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening, और उसी शाम को उन्होंने प्रोक्योर्ड मीन्स होता है गॉट, उन्होंने मतलब एक टिकट ली फर्स्ट क्लास की रांची की उसी शाम को। ओके बेटा, वी विल रीड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।